हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ सीएसएस स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, सीएसएस का ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो था, इसे एमपीटी भी कहा जाता है और ये पेपर 20 फरवरी 2022 को कंडक्ट किया गया था। इसके 4 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में पार्ट 5 से शुरू करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 101। इससे पहले के 100 एमसीक्यूज आपका पार्ट्स में मौजूद है और ये एमपीटी टेस्ट सीएसएस का स्क्रीनिंग टेस्ट 200 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल था। अ पॉलीगोन विच कंसिस्ट ऑफ 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागोन। ऐसी पॉलीगोन जिसकी 8 साइड्स हों उसे ऑक्टागोन कहा जाता है। वीवर्स, पॉलीगोन को उर्दू में कसीरुल इजला कहा जाता है। ये एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी मुख्तलिफ साइड्स होती हैं, जिसकी 3 साइड्स भी हो सकती हैं, 4, 5, 7, इस तरह कसीरुल इजला का नाम इसे दिया गया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम रखी हुई है, एक टेबल है, इसको देख लें। ऐसी पॉलीगोन जिसकी 3 साइड्स हों उसे ट्राइंगल, जिसकी 4 साइड्स हों उसे क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 5 साइड्स हों उसे पेंटागोन, जिसकी 6 साइड्स हों उसे हेक्सागोन, जिसकी 7 साइड्स हों उसे हेप्टागोन, जिसकी 8 साइड्स हों उसे ऑक्टागोन। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, 8 साइड्स हैं उसे ऑक्टागोन कहा जाएगा, जिसकी 9 साइड्स हों उसे नैनागोन और जिस पॉलीगोन की 10 साइड्स हों उसे डेकागोन कहा जाएगा। ये आपके सामने तमाम की शेप्स मौजूद हैं, इन तमाम की शेप्स भी देख लें और इनको याद भी कर लें, क्योंकि बहुत से पेपर्स में, ख़ास तौर पर सीएसएस पीएमएस के पेपर्स में ये एमसीक्यूज रिपीट होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को देख लें, डायग्राम्स को देख लें और इनकी साइड्स याद कर लें, ये इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 102। अ मेजर ऑफ एंगल विच इज कम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ इज कॉल्ड 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 103। अ ट्राइंगल हैव डैश वर्टिसेस। एक मुसल्लस के 3 अमूद या 3 वर्टिसेस होते हैं। ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो 180 डिग्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। हाउ मेनी एंड पॉइंट्स आर इन अ लाइन। एक लाइन है व्यूअर्स, उस लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होंगे। आप एक लाइन लगाएं, आप देखेंगे कि उस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, और राइट साइड पे भी वो चलती जा रही है और लेफ्ट साइड पे भी वो चलती जा रही है। किसी भी लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता। एंड पॉइंट जो है वो स्पेशली शो किए जाते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल लाइन की बात करें तो सिंपल लाइन में किसी किस्म का एंड पॉइंट नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर के रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। हमारे ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितने भी पेपर्स होते हैं, चाहे वो पेपर आज की डेट में कंडक्ट हो, हमारी कोशिश होती है कि उसे सबसे पहले जल्द से जल्द उसे कम्प्लीट सॉल्व करके ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जाए। वीवर्स, अगर आप इन तमाम सवालात को, जितने सवालात हमने डिस्कस कर लिए हैं, जितने सवालात हम डिस्कस करेंगे, इन्हें आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पे जाएं, ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे आपको सीएसएस पीएमएस बीपीएस के तमाम पेपर्स, केपीएससी के तमाम पेपर्स, एफपीएससी पीपीएससी तमाम टेस्टिंग सर्विसेज के हल शुदा पेपर्स मिलेंगे। वीवर्स, जितना भी डाटा आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो मुकम्मल हल शुदा होगा। अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट को एक बार विजिट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 106। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल में, किसी भी दायरे में जो सबसे लंबा जो लाइन होता है, सबसे लंबा जो फासला होता है वो डायमीटर का होता है। ये देख लें, आपके सामने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है सर्कल का। यहाँ से यहाँ तक जो फासला होगा इसे डायमीटर, ये डायमीटर कहलाएगा। और किसी भी दायरे के मरकज से, ये मरकज है, मरकज से चाहे आप यहाँ पे खींच लें, चाहे आप यहाँ पे खींच लें, चाहे आप यहाँ तक कर लें, चाहे आप यहाँ तक कर लें, इस मरकज से ये जो फासला होगा या ये जो डिस्टेंस है
या ये जो कॉर्ड है इसे हम रेडियस कहेंगे। आपके सामने डायग्राम में डायमीटर और रेडियस को हाईलाइट किया गया है। बहुत से पेपर्स में रेडियस और बहुत से पेपर्स में डायमीटर के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 107, हाउ मेनी साइड्स ऑफ अ पेंटागोन है, एक पेंटागोन जो है उसकी कितनी साइड्स हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 1 में इस क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। पेंटागोन ऐसी शेप होती है जिसमें 5 कोने हों। यहाँ पे देख लें, 4 आपके सामने शेप्स रखी हुई हैं, इसके 5 कोने हैं, इसकी जो है ना 5 साइड्स हैं, इसलिए इसे पेंटागोन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड, ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइडें बराबर हों वो स्क्वेयर कहलाएगी। और कोई भी स्क्वेयर जो है उसके चारों जो जाविये होंगे, 4 कोने होंगे उसके, और उन चारों कोनों में कॉर्नर्स में जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे, जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, समटाइम्स वी गिव अ स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ एन अदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड प्रीमिसेस। व्यूअर्स, बाज़ का ऐसा होता है कि आप कोई आर्गुमेंट देते हैं और उस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप एक और दूसरा आर्गुमेंट देते हैं, यानी कि जो आर्गुमेंट आपने पहले दे दिया है उस आर्गुमेंट का अहाता करने के लिए आप जो आर्गुमेंट देंगे उसे प्रीमिसेस कहा गया है। और प्रीमिसेस जो है, अगर आप इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, ये अहाता के जुमर में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 110, नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन बेस्ड ऑन मेमोरी प्रोसेस इज कॉल्ड मेटा मेमोरी। व्यूअर्स, चंद पेपर्स में आपको मेटा मेमोरी जो है ये सोक्रेटिक अवेयरनेस की टर्म में भी पूछी गई मिलेगी, इसलिए याद रखिए मेटा मेमोरी को सोक्रेटिक अवेयरनेस भी कहा जाता है। इसके साथ साथ नोट कर लें व्यूअर्स के ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, इन विच मेमोरी ऑल मटेरियल्स आर स्टोर्ड सो दैट वी कैन रिट्राइव इट लेटर ऑन, ऐसी मेमोरी जिसमें हम बहुत सा डाटा, बहुत सा मटेरियल जमा कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर हम उसे हासिल भी कर सकें, ऐसी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ, इसे इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है। इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो है इसे विलियम स्टर्न ने इंट्रोड्यूस करवाया था। विलियम स्टर्न ने IQ टर्म को पहली बार 1912 में इस्तेमाल किया। ये जो विलियम स्टर्न है ये जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 113, समटाइम्स वी थिंक अबाउट द ब्यूटी ऑफ हेवन व्हाट वी कॉल इट फैंटेसी। क्वेश्चन नंबर 114, What is the last stage of creative thinking? Creative thinking जो है इसकी last stage को verification stage कहा जाता है। आप note कर लें कि creative thinking जो है इसकी 5 stages हैं, जिनमें preparation stage, incubation stage, illumination stage, evaluation stage और verification stage शामिल है। ये stages याद रखें कि creative thinking जो है इसकी 5 स्टेजेस हैं। जिन कैंडिडेट्स ने साइकोलॉजी सब्जेक्ट को CSS में या PMS में चूज किया है, जब वो इन स्टेजेस को पढ़ेंगे क्रिएटिव थिंकिंग की, तो उन्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 115, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस्ट ओनली 20 to 30 सेकेंड। व्यूअर्स, ये जो भूलने की बीमारी होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, इसे एमनीजिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, गिव नेम ऑफ द रेंज विच एन इंडिविजुअल कैन मेक बिटवीन द वीकेस्ट एंड द लाउडेस्ट साउंड। डायनामिक रेंज, ये जो डायनामिक रेंज होती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी जो वैल्यूज होती हैं और जो बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज होती हैं उनके दरमियान निस्बत को जाहिर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 117, डेसीबल, डेसीबल का साइन जो है ये याद रखें, स्मॉल लेटर्स में डी लिखा हुआ है, साथ कैपिटल में बी लिखा हुआ है, DB, ये डेसिबल का जो है सिंबल है, डेसिबल की इलामत है, साइन है। ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक लेवल पे भी, ये साउंड का यूनिट है। डेसिबल इज द यूनिट विच कैन बी यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 118, लेट मेंटल एज MA एंड क्रोनोलॉजिकल एज CA आर गिवन
देन इंटेलिजेंट क्वेश्चन इज, अगर एम ए और सी ए दिया गया हो तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन आई क्यू जो है वो एम ए ओवर सी ए होगा। इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने का फार्मूला है, ये फार्मूला बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, इसे देख लें। आई क्यू इज इक्वल टू एम ए ओवर सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन नंबर 119, द बल्ब एक्स लास्ट लॉन्गर देन बल्ब वाई। सेकेंड है, द बल्ब वाई डज नॉट लास्ट लॉन्गर देन बल्ब जी। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रीड करें, द बल्ब जी लास्ट लॉन्गर देन बल्ब एक्स इफ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू देन द स्टेटमेंट 3 इज अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 120, वीवर दिए जो क्वेश्चन नंबर 119 था ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। पासिंग सीएसएस एग्जामिनेशन गिवन हैप्पीनेस, अगर सीएसएस का इम्तिहान पास होता है तो ये खुशी देता है। हैप्पीनेस प्रोड्यूसेस स्माइल, जब खुशी मिलती है तो चेहरे पर स्माइल आती है। पासिंग सीएसएस एग्जामिनेशन गिव स्माइल, जो सीएसएस एग्जामिनेशन जब पास होता है तो खुशी महसूस होती है, मुस्कुराहट आती है। इफ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट ठीक है तो तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है। व्यूअर्स अगर आप इनकी ट्रांसलेशन करेंगे तीनों स्टेटमेंट्स को, 1, 2 and 3 को रीड करें, ये तीनों एक ही बात को दोहरा रही हैं, इसलिए स्टेटमेंट 3 जो है वो भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 121, सेम 119 और 120 एमसीक्यूज वाला एमसीक्यूज ही रिपीट हुआ है। अ टूथपेस्ट इज यूजफुल, टूथपेस्ट जो है ये यूजफुल है। यूजफुल थिंग्स आर वैल्यूएबल, जो यूजफुल कारामद चीज़ें होती हैं वो वैल्यूएबल होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है अ टूथपेस्ट इज वैल्यूएबल, टूथपेस्ट जो है वो वैल्यूएबल है। ये तीनों सेंटेंस जो है ये सेम है, एक ही बात को दोहराया गया है कि टूथपेस्ट जो है ये एक वैल्यूएबल थिंग है, वैल्यूएबल चीज़ है। इफ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है तो तीसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, ट्रू। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 122, टू पैक 100 पेयर ऑफ शूज इन टू केसेज दी ईच होल्ड 20 शूज देन हाउ मैनी केसेज डू वी नीड। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें कि 100 पेयर ऑफ शूज हैं, जूतों के 100 जोड़े हैं, इन्हें आपने एक अलमारी में रखना है और अलमारी भी ऐसी है जिसमें 20 जूते रखे जा सकते हैं एक अलमारी में। 20 जूतों का मतलब ये है कि 10 पेयर्स 10 जोड़े जो है एक केस में रखे जा सकते हैं। ये बताएं कि 100 जोड़ों के लिए कितने केस रिक्वायर्ड होंगे। सिंपल है, 100 अगर पेयर्स हैं तो इसके लिए 10 केस रिक्वायर्ड होंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, टोटल नंबर ऑफ क्यूबिक ब्लॉक्स आर 50 टू कंस्ट्रक्ट अ सॉलिड क्यूब विद नन लेफ्ट ओवर, व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर्स दैट नीड टू बी टेकन। 23, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124, इन द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज दी गई है और ये बताना है आपने कि नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, खाली जगह में क्या आएगा। 12, 11, 13, 12, 14, 13, नेक्स्ट नंबर जो है इसमें 15 होगा। ऑप्शन सी किस तरह से होगा, शॉर्ट डिटेल में देख लें। पहली जो अमाउंट है उसमें से आपने एक माइनस करना है, दूसरे में एक जमा करना है, जो आंसर आएगा उसमें से फिर एक माइनस करना है, उससे अगली रकम में, उससे अगले डिजिट में दो जमा करना है। ये आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखा हुआ है, वीडियो को यहीं पर रोक कर इसको देख लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन नंबर 125, इन द फॉलोइंग सीरीज 2, 1, 1 over 2, 1 over 4, आगे सीरीज जारी है, पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा 1 over 4 के बाद। सिंपल है, शॉर्ट डिटेल में देखें। सबसे पहले है 2, 2 का हाफ है 1, 1 का हाफ है 1 over 2, 1 over 2 का हाफ है 1 over 4, 1 over 4 का हाफ है 1 over 8, 1 over 8 का हाफ है 1 over 12, 1 over 12 का हाफ है 1 over 16। ये सीरीज हम ज़्यादा आगे तक ले गए हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, हमने सिर्फ इसे यहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक। 2 का जो आधा है वो 1 है, 1 का आधा 1/2 है, 1/2 का आधा 1/4 है, 1/4 का आधा
1/8 है। हमारे पास सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगर हम इस सीरीज को मजीद आगे चलाना चाहें तो ये मजीद आगे भी चल सकती है, जैसा कि आपके सामने शॉर्ट डिटेल में बताया गया है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लें और यही इसका सोल्यूशन है। वीवर, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में CSS MPT स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसके पार्ट 6 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ताला इस कम्प्लीट पेपर को हम 8 पार्ट्स में कवर करेंगे। हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।